तो मुझे ये बताओ कि घनघोर क्यों मनाते हैं? अरे दीदी, घनघोर क्यों मनाते हैं? अभिषेक भैया। अरे अच्छा, आप खुशी के लिए तैयार होना पसंद है? लो कर लो बात। घनघोर ले आऊं, काम नहीं चले। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है अभिषेक सोनी और आज हम वापस आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। उससे पहले आप सब जनों को बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। ये आ चुका है हमारा सिल्वर प्ले बटन, और सिल्वर प्ले बटन के बाद ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पूरी वीडियो एंड तक देखना, और बीच में जो जो शॉर्ट्स है वो मिस कर दोगे तो स्किप बिल्कुल मत करना। ये गाना तो आपने हर राजस्थानी की स्टोरी पे सुनी लिया होगा। तो आपको बताते हैं इसके पीछे का रहस्य। घनघोर, घनघोर एक ऐसा त्योहार है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है अभिषेक सोनी और आज आपको बताने वाला हूँ मैं हमारे उदयपुर का बहुत ही फेमस त्यौहार घनघोर। प्रोग्राम पीछे चल रहा है, अभी हम वहीं जाएंगे। और हाँ, मैंने बताया मास्क इसलिए पहना था कि मेरे को नहीं पहचाने लोग। फुल यहाँ पे वीर भैया के द्वारा शूट हुआ जा रहा है, और हम भी यहाँ ब्लॉग बनाने पहुँच गए। ये घनघोर के फुल रील्स कल आपको रील देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। ये सत्संग मिल गया है फुल। क्या देखने आया तू वैसे यहाँ पे? घूमने तो नहीं आया, ये घनघोर देखने आया है। नटखट, चलो। यह त्योहार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी तीज को मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित स्त्रियां शिव जी यानी ईश्वर जी और पार्वती जी यानी गौरी माता की पूजा करते हैं। आ चुके हैं घनघोर घाट, यहाँ से जगदीश मंदिर से यहाँ पे आ रही है। अंदर देख के आए एक बार। यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं देखने, तो हम फॉरेन टूरिस्ट भी बताते हैं आपको, जो डांस वांस कर रहे हैं और एंजॉय चल रहा है बराबर। पूजा करते हुए धूप से पानी के छींटे देते हैं और गोर गोर गोमती का गीत गाते हैं। वो गीत मुझे याद नहीं है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं वो गीत याद करके आपको जरूर सुनाऊंगा। ओ न्यारी मम्मी, नया मम्मी हटने बुलेरा। हाय, यहाँ देखो लगता है जगह मिलेगी, यहाँ और नहीं मिलेगी। यहाँ चढ़ जा, यहाँ चढ़ जा, ले आओ दे। लो आंटी जी, आ दियो जल्दी जी, इंग्लिश सुन दे। इंग्लिश आंटी जी, चलो। तो यहाँ का तो हमने शॉट ले लिया, अब हम आगे पीछे होते हैं थोड़ा। बिल्कुल, मैं अभी सुनी हूँ। हाय, आपसे मिलने की इतनी इच्छा थी, कब से आपका ही वेट कर रही थी। आपके फादर आपकी स्टोरी देख के यहाँ पर आई, आपको मां ढूंढ रही, यहाँ ढूंढ रही। आपके फादर किस्मत देखो, किस्मत देखो, मेरी किस्मत है, मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग फॉलो करते हैं। फेस रिवील कर दूँ? हाय हाय, थैंक यू थैंक यू। लव लव भीड़ आ जाएगी। हां हां, खड़ा हूं खड़ा हूं। ऐसे टाइम पे फोन नहीं चलता है। ओके गाइस, लाइक टू ले, रुक रही पकड़। समझ नहीं आया, उन्होंने मेरे को पहचाना कैसे? पहचान ही लेते लोग, बाग यार प्यार है। गण मतलब शिव,
और गौर मतलब पार्वती के इस पर्व में कुंवारी लड़कियां अपने मनपसंद वर की कामना करने के लिए इसकी पूजा करती है। जो लड़कियों के मुंह पे जो ब्लश आया है ना, और विवाहित स्त्रियां इसलिए पूजा करती है ताकि उनके पति की दीर्घायु हो। ये वही जगह है जहाँ लीला को खींच के ले जाते हैं राम भाई। बिल्कुल बिल्कुल आराम से आप लाए। लेडी, ये वही जगह है जहाँ लीला को खींच के वापस झंझार ले जाया जाता है रामलीला मूवी में। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर और ऊपर का शॉट लेते हैं। कई नाम है आप? मेरा नाम किशन है। अटने, कई नाम है आप? किशन। कहाँ से आए आप? चुरू से। चुरू से, तो क्या करते हैं आप यहाँ? हम होली का अच्छा प्रोग्राम करते हैं, वो इस फेस्टिवल पर बुलाया है आरटीडीस वालों ने। ये हमारे बड़ी में मिल गए हैं, उन्होंने बचा लिया हमारे को। जैसे किसका कई आनंद आनंद ले रहा है मेला में। बस गणगौर के मेला देखने आए हैं। हाँ, और कैसे गई? मजा लात रहा है कि लात रहा है? मजा है। क्या किरण दीदी, कैसे हो? ठीक है। आनंद हाय बेटी, तू भी बोल। तो यहाँ हम बागौर की हवेली आए हैं, जो भी म्यूजियम भी है, और हम इसका टॉप व्यू लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखेगा ऊपर का। हाँ काव्य भैया, अच्छा आ रहा है शॉट? क्या हाल चाल क्या आज प्ले ले कर रहे हो क्या? नहीं अभी तो घूमने का यार, एंजॉय करने दो। घूमो घूमो, चलो काव्य भैया। ता कर रहे क्या हमसे? चलो काव्य, ये है हमारे उदयपुर की। हाय नमस्कार, कैसे हैं आप? हम भी बढ़िया है। तो गणगौर में आपको कैसा लग रहा है? गणगौर में हम लाग रहे हो, और खड़िया की लुगाई आई लगे। हाँ, ज्योतिर्विया बटे गोरी और शिव से पूछे ताकि बड़े पति ने जो उम्र है लंबी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थाने वाते में कोई पूछ रहे हो? हाँ, कोई पूछ रहे हो थाने वाते? गुड पूछ रहे हो, गणगौर से पूछ रहे हो गणगौर। हाँ साहब, जो सब मजा है बने। हाँ, कोई ना कोई तो पूछ ही रहे होगा माने लिए भी। हाँ, कोई पूछ ले तो माने थोड़ा जी हो रहे। देखो, अगर मेरे लिए भी किसी ने पूजा वूजा करी हो तो पहले बता देना, वरना क्या कर रहा हूँ। तो बापू आएगा, एक घोसो देगा। चलो अभी डांस वांस करो, आपने डिस्टर्ब नहीं करा। सॉरी, अच्छा रोटी खाओ, टाइम है क्यों? ठीक है मलो मलो। बता, ये वो गुम्बज है जो शायद मूवी में नहीं है? शायद कभी, अरे हाँ मतलब शायद गाना। और भाई क्या शॉट आ रहा होगा, ऐसा मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे हाय क्यूट बच्चे, हाय, क्या नाम है आपका? तो ऊपर का हमसे जितना दिखा हम दे, बहुत भीड़ भाड़ है, और अब हम नीचे का लेने जाते हैं। और व्यू तो खैर खाली लोग दिख रहे हैं और कुछ भी दिख रहा है। लो कटे गाड़ी और दबाव आयो, चलते रहो भाई जी, रोटियां बनानी ठावड़ा ही पड़िया बस गंगोर देखे हैं, ठावड़ा मार ले वहाँ सुबह सुबह मजेगा नहीं अबे तो। हेलो बच्चे, कहीं बने रहा आज? बाबड़े बाबड़ी होने की नहीं होनी? अच्छा बाबड़ी, तो वहाँ चल रहा है कल्चरल प्रोग्राम, वो सिंगिंग कर रहे हैं, और ये बोट में जा रही है गणगौर, और वहाँ पे भी प्रोग्राम चल रहा है सेंटर में। वहाँ पे सिर्फ पूजा सिटी पैलेस के जो हमारे नाच घराने के लोग हैं वही जा सकते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट वाले स्किल्स यूज करने का टाइम आ चुका है। अब बात कर, अरे इधर आओ, अरे मेरी जो देख दो सेल्फी में तो नहीं हरमाया। ठीक है, हाँ क्या नाम है आपका? मुस्कान। और आपका? तो मुझे ये बताओ कि गणगौर क्यों मनाते हैं? नहीं आप तैयार हो के तो आए हो तो। पार्वती का रूप है। हाँ आगे, उसकी होली के बाद पूजा की जाती है 16 दिन। आप बताओ गणगौर क्यों मनाते हैं? हैप्पी बर्थडे। गणगौर इसलिए मनाते हैं क्योंकि शिव जी और पार्वती जी की पूजा होती है, और अपने पति की लंबी आयु के लिए भी मनाते हैं, और कुंवारी लड़कियां इसलिए मनाती है क्योंकि उनको अच्छा वर मिला है।
थैंक यू भाई। आप किसके लिए मना रहे हो? हाँ, आप किसके लिए मना रहे हो अब बता दो। हम भी इसी के लिए। हाँ, तो एक प्रश्न है आपसे, जो ये बताओ कि घनघोर क्यों मनाते हैं? पति के लंबी उम्र के लिए। इनको पता है देखो क्यों, और पूजा किसकी होती है? शिव और पार्वती। हाँ, ये वही लड़का है जो एग्जाम में अपने पीछे वालों को बताता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप दोनों से, ये घनघोर क्यों मनाते हैं? अरे ये तो सिलेबस के बाहर वाला क्वेश्चन हो गया। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ तो क्यों मनाते बताओ? मैं बता देता हूँ, घनघोर इसलिए मनाते हैं क्योंकि शिव और पार्वती की पूजा होती है। हाँ, और अपने पूजा 16 दिन तक की जाती है। हाँ, और घनघोर को 3 दिन तक पानी पिलाने घनघोर घाट पे लाया जाता है। ठीक है, और कुंवारी लड़कियां इसलिए करती है क्योंकि अपने पति के अच्छा वर मिले, और शादीशुदा इसलिए करती है ताकि उनके पति की लंबी आयु हो, है ना? सही बोला मैंने? तो देखने वाले गाइस नीचे पैसा देखने वाले, और यहाँ ये सब फ्री में देख रहे हैं। तो अब हम वापस आ चुके हैं नीचे धरती पे, और अब थोड़ा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं वापस। तो अब हम जाते हैं जगदीश चौक। कवर किया देखा है? अरे भावेश जी, बिग फैन। आयुष जी, भावेश जी, दोनों हमारे पालीवाल रेस्टोरेंट के बॉन्ड्स के ओनर। ओके, तो ये साहिल जी मिल चुके हैं हमें यहाँ पे। जय श्री राम। फुल घनघोर देखने आए हैं सब। अरे एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन, अभी कैसे हो? तो मुझे ये बताओ, अभी कहाँ जा रहे हो आप? घनघोर देखने? तो घनघोर क्यों मनाते हैं? मुझे नहीं पता। हाँ भरत जी, भरत जी, घनघोर क्यों मनाना है? क्या पता? हाँ, ये मेरे लेना तो मेरे लेना। हाँ, हमें हमारे दर्शकों को बताइए घनघोर क्यों मनाते हैं? भाई घनघोर क्यों मनाते हैं ये मुद्दा अलग रह गया, लेकिन उससे पहले जो बड़ी बात है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज से 40 साल पहले, ठीक है, ये 4 दिनों का त्योहार था घनघोर फेस्टिवल, ठीक है, जो पहले दिन से चौथे दिन तक लगातार मेला पड़ता रहता था। हाँ, ये गोपाल, ये हमारे पार्षद है, आपके हमारे पार्षद जी हैं। हाँ, और गोपाल जी जोशी, इनकी शॉप है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब से ये मेवाड़ फेस्टिवल गवर्नमेंट ने लिया है, हाँ, तब से इस मेले का कचरा हो गया। कचरा क्यों हो गया, उसका कारण बताऊँ? मेवाड़ फेस्टिवल एक दिन के लिए होने लग गया, ये 4 दिन का मेला 1 दिन का हो गया। कल से सुनसान हो जाएगा। गलत बात है, तो गलत। जबकि हमारे पहले बचपन में दूसरे दिन तीसरे दिन जू मेला बढ़ता जाता था, पब्लिक बढ़ती थी। हाँ, बढ़ती थी। वो सब खत्म हो गया, मजा पकड़ गया। गवर्नमेंट को चाहिए कि चौथे दिन करे। हाँ, ये चौथे दिन करे तो थोड़ा ज्यादा पब्लिक रहेगी। तो ये हम चाहते हैं, ये मैसेज आगे पहुंचे, मुद्दा उठाया, मैसेज आगे पहुंचे, और ये होना चाहिए। मजा आता है बड़ा मानो, एक दिन प्रशासन को चाहिए, साहब को अनुभव है। हाँ, देखो प्रशासन, आज के प्रशासनिक प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, वो अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्र उनकी इतनी नहीं है जितनी हमारी है। सही बात है। और हमारा अनुभव है, अपन हम भी यही चाहते हैं कि हमारे राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाए। मैं 1965 का मॉडल हूँ, यानी कि 58 साल पुराना, ठीक है, तो मेरा तजुर्बे का उपयोग करना चाहिए सरकार को। मैं बात करता हूँ, कूपन जी से कॉन्टेक्ट कीजिए सरकार। कौन सी न्यूज चैनल? अभी सुनी न्यूज चैनल, अच्छा ये तो पता है। नारायण जी से पूछते ना, नारायण जी मिल गए यहाँ पे। तो नारायण जी, कैसा लग रहा है घनघोर का उदयपुर में मेला देख के? बहुत अच्छा लग रहा है उदयपुर। हाँ, घनघोर का मेला देख कर। घनघोर ले आऊंगा, हम नहीं चले। मैंने बताया नहीं गाइस कि मैं स्टार वॉर्स की नौकरी कर चुका हूँ। ये है मेरी तलवार,
कोई मस्ती कर रहा हो तो अंकल अंकल के गुस्सा के बता नहीं मैं मेरे गुस्सा देता हूँ ना क्या नहीं ये लो भाई को लो भाई को लो ब्लॉग में लो अरे अरे 500 रुपए किसी किसके गिरे 500 रुपए हाँ पकड़े गए अरे दीदी घनघोर क्यों मनाते हैं अभिषेक भैया अरे पहचान लिया पकड़ो पकड़ो गिर जाएगी खैर अब मैं भी गिर नहीं सकता इसमें मैं दिया आप बताओ घनघोर क्यों मनाते हैं क्यों मनाते हैं वेरी गुड आ जाएगा ये भी ब्लॉग में आ जाएगा डालना ही पड़ेगा ये तो अच्छा आप खुशी के लिए तैयार होना पसंद है अरे ये 500 रुपए किसके गिर गए 500 रुपए चप्पल है वो 500 नहीं है पहले वीडियो बना देते हैं ये है नंबर बहुत प्यारा गाया इस बच्चे ने तो फाइनली वो घड़ी आ गई जब मैं आपको गोल गोल घूमते वाला गीत सुनाने जा रहा हूँ वैसे थोड़ी बहुत गलतियाँ होगी तो मुझे क्षमा करना तो गीत है कुछ इस प्रकार गोर गोर गोमती इसर बुझे पार्वती पार्वती का अलग इला गोर का सोने का टीका टीका दे टमका दे बाला रानी बरत करियो करता करता आस आयो वास आयो खरे खंडे लड्डू आयो लड्डू लेन में बिना ने दियो बिरा ले मने पाल दी पाल को मैं बरत करियो सन मन सोला सात कचोला इसर गोरा दोनों जोड़िया जोड़ ज्वारा गेहूं ग्यारह राणिया पूजे राजा ने मह पूजा सुहाग ने राणिया को राज बढ़तो जाए था को सुहाग बढ़तो जाए कीड़ी 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 थड़ी जात दे गुजरात दे गुजरता में पानी दे दे थाम्बा थानी थानी में सिंगोड़ा बाड़ी में भिजोड़ा था को भाई हेम लियो सेम लियो लाडू लायो पेड़ा लायो जड़ती जलेबी लायो हरी हरी दूब लायो गण गोर पूज लियो बहुत बहुत धन्यवाद मैंने फाइनली आप लोगों के लिए याद किया और मुझे पता है कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हुई होगी मेरे से तो क्षमा चाहता हूँ मैंने अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ एक नादान बालक से गलती होकर समझ के उसको माफ़ करना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो सब जगह ज़रूर फैलाना जय श्री कृष्ण राधे राधे क्यों ना हो सब छोड़ चाहूं तो दर्श क्यों ना हो